बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इब्तदाह रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख शराज, ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से एक दफा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक जबरदस्त किस्म की वीडियो लेके आए हैं। नाज़रीन, हमारी आज की ये जो वीडियो है ये ब्लू बर्ड सिटी के ओवरसीज ब्लॉक के बारे में है, जिसमें हम आपको ऐसे हकायक बताने जा रहे हैं जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखे हैं। ब्लू बर्ड सिटी का जो मैप है ये हम आपको एक्सक्लूसिवली अपने इस चैनल के ऊपर दिखाने जा रहे हैं। पहले हमने इसका एक छोटा सा पोर्शन दिखाया था, ब्लू बर्ड सिटी के ओवरसीज ब्लॉक का मैप जो है उसका, लेकिन अभी हम उससे कई गुना बड़ा मैप जो है वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज हमेशा आपके लिए तेज तरीन इन्फॉर्मेशन का जरिया रहा है और आपके लिए हम ऐसी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं जिससे आप सब लोगों का फायदा होता है। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदरवा में जो भी सोसाइटीज हैं इनमें अगर आपको किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या इन सोसाइटीज के अंदर आप जो है इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज एक बाएतमाद अदारा है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह ताला आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। नाज़रीन, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, हम आपको एक एक चीज बताते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो ओवरसीज ब्लॉक है वो किस तरह से, किस अच्छे अंदाज से जो है वो डिजाइन किया जा रहा है। नो डाउट इसमें थोड़ी सी डिले हो गई है, बैलेटिंग का एक टाइम जो है वो कंपनी ने अनाउंस किया हुआ था, लेकिन जिसे कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, थोड़ा सा डिले अगर हो भी रहा है तो इसमें चीजें जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही हैं। इसका मुंह बोलता सबूत जो है वो अगली स्क्रीन में जब हम जाएंगे, वीडियो के अगले सेक्शन में जब हम आपके सामने जब चीजें रखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी जो बातें हैं वो बिल्कुल सच हैं और हकीकत के ऊपर मबनी है। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ओवरसीज ब्लॉक जो है उसके अंदर जो ज़मीन है, जो उस ब्लॉक को डिवाइड किया गया है, वो किस तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे हम रेजिडेंशियल की, जिसमें प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स शामिल हैं। सेकंड नंबर के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रिवर की रिजर्वेशन के लिए भी एक जगह है उसको मुख्तस किया गया है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो है उसका कमर्शियल एरिया है, फोर्थ पॉइंट जो है उसके ऊपर ग्रीन एरिया जो है उसको छोड़ा गया है। ग्रीन एरिया के अंदर आपके पार्क्स, ओपन स्पेसेस वगैरह होंगे। और उसके बाद पॉइंट नंबर फाइव के ऊपर जब हम आते हैं तो यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स जो हैं वो भी रखी गई हैं, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त एडिशन है। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज़ होंगी जो कि जनरल ब्लॉक से ज़्यादा होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि जी जनरल ब्लॉक में और ओवरसीज़ ब्लॉक में इतना डिफरेंस क्यों है प्राइसेस का। तो उसकी मुँह बोलता सबूत जो है वो ये है कि जो हम आपको आज चीज़ें दिखाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि इसकी जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा क्यों हैं। सिक्स पॉइंट के ऊपर इसका ग्रेवयार्ड है और उसके बाद सेवन नंबर के ऊपर जो है इसके रोड नेटवर्क है। नाज़रीन, ज़ेरे नज़र तस्वीर जो है ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ शेयर की थी, जिसमें हमने आपको थोड़ा सा नक्शा बताया था ओवरसीज ब्लॉक का। आज हम इसका मजीद एक्सपेंडेड वर्जन जो है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये वाला जो नक्शा है अभी तक का लेटेस्ट तरीन जो नक्शा है वो ये है, जिसमें ओवरसीज ब्लॉक की बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको जो है वो डिस्प्ले कर दिया गया है, उनको दिखा दिया गया है, उनको बता दिया गया है। ये शायद आपको दूसरे चैनल्स के ऊपर ये चीज़ें ना मिल सकें, बट हमारे पास इंशाल्लाह ताला अथेंटिक और तेज़ तरीन इन्फॉर्मेशन होती है। अब हम इस नक्शे को वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि इस नक्शे के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि ओवरसीज ब्लॉक को एक प्राइम ब्लॉक बनाती हैं। इसमें 71 कैनाल के ऊपर मुहित मिनी गोल्फ क्लब मिलेगा, 52.69 कैनाल के ऊपर कंट्री क्लब है और साथ ही इसके लेक आपको नजर आ रही है जो कि ओवरसीज ब्लॉक की एक यूएसपी है। एंटरटेनमेंट जोन बनाया जाएगा जो कि 160.53 कैनाल के ऊपर होगा। ग्रैंड मस्जिद, म्यूजियम और यूनिवर्सिटी होगी जो कि 250 कैनाल के ऊपर बनाई जाएगी। नाज़रीन, ये जो आपको ग्रीन वाला एरिया नज़र आ रहा है ये फॉरेस्ट है, जंगल है, जिसको अर्बन फॉरेस्ट का नाम दिया गया है। इसके बिल्कुल साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर आप देखेंगे येलो कलर का आपको स्कूल नज़र आ रहा है, 27 कैनाल के ऊपर स्कूल बनेगा। नीचे वाली साइड पर अगर आप देखेंगे तो अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको जो कि 61 कैनाल के ऊपर बनाए जाएंगे। यहाँ पे हम नक्शे को थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे रहने वाले जो रिहायशी होंगे, तकरीबन हर घर के सामने हम ग्रीन एरिया छोड़ रहे हैं, पार्क्स वगैरह छोड़ रहे हैं।
नाजीन, अगर दोबारा आप इस नक्शे को आप देखेंगे तो ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये देखिए, जहां जहां पे आपको ग्रीन एरिया नजर आ रहा है, ये तमाम घरों के सामने इतना ग्रीन एरिया छोड़ा गया है, जिसमें आपकी लेक्स भी हैं, जिसमें आपके पार्क्स भी हैं। आप ये देखें, एक पूरी पट्टी जो है ये वाली, ये कंप्लीट जो है वो छोड़ी गई है ग्रीन एरिया के लिए। ये देखें, तकरीबन हर घर के सामने से ये वाला पार्क गुजर रहा है। जो अंदर वाली साइड के ऊपर आ रहे हैं, उनके ऊपर भी आप देख सकेंगे जगह जगह पे आपको ग्रीन डॉट्स, ग्रीन चीजें नजर आ रही हैं, वो सारे पार्क्स होंगे। अगर मैं इस साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर देखूं, तो ये देखें, ये कितना जबरदस्त एरिया छोड़ा गया है, जो कि हम पहले पीछे भी डिस्कस करके हैं, जिसमें फॉरेस्ट का एरिया भी है और दूसरा ग्रीन एरिया भी है। ये साथ वाला एरिया जहां पे अभी हमने पॉइंट आउट किया है, ये भी ग्रीन एरिया छोड़ा गया है। तो नाजरीन, इन तमाम चीजों को जब हम मद्देनजर रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको खुद आइडिया हो जाएगा, आप खुद बेहतरीन जज हैं, आपको खुद आइडिया हो गया होगा इस नक्शे को देखने के बाद कि किस तरह से ओवरसीज ब्लॉक जो है वो एक एक डिफरेंट चीज बनाई जा रही है और ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है जो कि शायद इससे पहले किसी सोसाइटी ने नहीं दिया है। जी नाजरीन, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है उनसे फायदा उठाते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाइयों, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी किस्म का कोई आपका कोई पैसा नहीं लगता। अगर आपको इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद ना आए तो बेशक बाद में उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ ही अपने होस्ट फर्रुख शराज को इजाजत दीजिए, नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।